मैंने जब है ना ये देखा ना कि 125 बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस आया है, पाकिस्तान का टोटल बजट 330 बिलियन डॉलर का है, टोटल बजट। सर उसके और इर्द हम गिर्द भी कोई नहीं है। एक रिपोर्ट मेरी नजर से गुजरी और जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं बड़ा हैरान रह गया कि यार यानी इस वक्त इंडिया 125 बिलियन डॉलर्स के ना उनके रेमिटेंसेस आ रहे हैं। आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला कर? हमारे जो बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, मैनेजर्स हैं, लेबरर है, टैक्सी ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, कंपनियां चला रहे हैं, भर भर के वो पैसा वहां कमाते हैं और इंडिया भेजते हैं। पाकिस्तानियों के लिए हर गुजरता दिन पहले से बदतरीन होता जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने अक्टूबर में 2.5 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे, यानी इस वक्त मुल्क की आबादी के तकरीबन 40% पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हो चुके हैं। के पॉपुलेशन जो है, जो सिटीजंस हैं, वो लोग चाहते हैं कि मोदी और योगी जैसे स्ट्रांग लीडर्स हमारे कंट्री में भी हो। पाकिस्तान की अदालतों में सियासी केसेस चल रहे हैं और उन सियासी केसेस की हियरिंग्स के दौरान इंडिया का नाम आ रहा है। मतलब कि वो तो फिर सही है कि हमारा तो खाना हजम नहीं होता इंडिया के बगैर। मुझसे हमेशा ये क्वेश्चन हुआ करता था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कि पाकिस्तान तो एक टेररिस्ट कंट्री है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ गुज़श्ता माली साल के दौरान गुर्बत बढ़कर 39.4% तक पहुंच चुकी है। वो भारत जो पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए हमेशा झूठा प्रोपेगेंडा करता रहता है। जो हमारे मुल्क का हाल है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, और खास तौर से इकोनॉमिक हो, कह रहे ये किसी की साजिश नहीं थी, ये ना भारत ने करा ना अमेरिका ने करा, वी शॉट आवरसेल्व्स इन द फुट। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि आलमी बैंक पाकिस्तान के तरक्की के मॉडल को ही नापायदार करार दे रहा है। उसके बाद हमारी बर्बादी का जिम्मेदार न US है न भारत है। नवाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट पास की है और यही मौका है कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। उधर कैसे आया जाए, बिकॉज आपको पता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे सभी ममालिक होते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उसमें भी भारत का किरदार है, तो आए रोज ही फिल्में बनाते हैं, कभी अजय देवगन को लेके, कभी सनी देओल को लेके, और झूठा प्रोपेगेंडा बेस पे को लेके, वो बहुत शौक से कर रहे होते हैं ये काम। अब वही चीज आप हमसे पूछ रहे हैं, हमारी कंट्री के अंदर जो ट्रेडिशन है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। याद कीजिए, कल ही शायद आपने एक वीडियो डिस्कस किया था और वो शायद कर नहीं पाए थे, और वो ये था कि इंडिया ने 125 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस को रिसीव किया है। मैडम एक बात बताइए, रेमिटेंस कोई दान थोड़ना है? हमारे जो बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, मैनेजर्स हैं, लेबरर है, टैक्सी ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, कंपनियां चला रहे हैं, भर भर के वो पैसा वहां कमाते हैं और इंडिया भेजते हैं। तो मेहनत है। मैंने जब है ना ये देखा ना कि 125 बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस आया है, पाकिस्तान का टोटल बजट 330 बिलियन डॉलर का है, टोटल बजट। सर उसके इर्द गिर्द भी कोई नहीं, इर्द गिर्द भी कोई नहीं है। वो इसलिए नहीं है ना क्योंकि हमने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम किया। Yes, अब मेरे से अगर आप उम्मीद करें, मेरे को मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं समझाया कि बेटा तुझे कुछ मतलब ऐसे वॉरियर जिहाद और ये सब धर्म और कुछ करना है ना, बेटा अपनी लाइफ में तुम्हें आगे बढ़ना है, पढ़ना अच्छे तरीके से, बाकी कुछ नहीं देंगे। मैंने भी अपने बच्चों को समझाया है, हम सारे अपने बच्चों को यही समझाते, बेटा कुछ नहीं देंगे एजुकेशन के अलावा, जो पढ़ाई लिखाई में, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस सिखाता है। Yes, हमारा फोकस इन चीजों पे नहीं है ना, और पाकिस्तान हमारे लिए अम्यूजमेंट है, एंटरटेनमेंट है। अच्छा ये हो गया, बुरा मानेंगे मुझे पता है, लेकिन अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया। आपके वो एक आधे जो क्या नाम है यूट्यूबर है, वो सड़क पे जा जाके आपके यहाँ की जनता के सवाल पूछ रहे होते हैं, यहां उसको मजे ले रहे होते हैं कि अच्छा बस मैडम एंटरटेनमेंट के लिए 5 मिनट तो चाहिए होते हैं ना, वो वाले सही। इसके अलावा क्या, इसके अलावा हमारी पॉलिसीज में अगर डिस्कस होता है तो चाइना होता है, वेयर इट इज, अमेरिका होता है। आप हमसे, हमारे किसी आम आदमी बच्चों से भी पूछेंगे हु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडिया, अमेरिका, चाइना सेकंड नंबर। हाँ हमें पता है, हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब उसमें ये कहा जाए कि भाई पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, इतना टाइम नहीं है। और मैडम जिस टाइम वो
मिसाइल आई थी ना ब्रह्मोस विदाउट एनी एम्यूनिशन, उस टाइम पर पाकिस्तान के लास्ट जो एक कॉन्फिडेंस था उसे खत्म कर दिया। और आपने उसके बाद शायद खबर नहीं सुनी कि वहां से 60,000 सोल्जर्स पाकिस्तान बॉर्डर से हटा के आसाम में चाइना बॉर्डर पे भेज दिए गए। अगर हम ये कहें कि पांच गुना हमसे तकरीबन बड़ा है हिंदुस्तान, उस हिसाब से भी उनकी जो रेमिटेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा। और उसकी वजूहत क्या है वो आपको बताना चाहता हूँ कि वो दुनिया में अपना स्किल्ड लेबर बेचते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ है उनको कोई नौकरी इंडिया में नहीं मिल रही तो कहे यार चलो इसको दुबई भेज दो, नौकरी नहीं मिल रही इसको कतर भेज दो, नौकरी नहीं मिल रही इसको सऊदी अरेबिया भेज दो, मतलब इस तरह की कोई चीज़ें वो नहीं करते। हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी अगर लोग हैं तो मोस्टली मैंने देखा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अगर स्किल्ड जाते हैं तो स्किल्ड वहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और मुल्क को भी फायदा होता है और जो लोग गए होते हैं उनको भी फायदा होता है। लेकिन जब हम अनस्किल्ड लोगों को वहाँ पे भिजवाते हैं और फिर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं ट्रैफिक के, लैंग्वेज के, फिर उन लोगों के साथ डील करने में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से फिर बजाय इसके कि हमारे लिए फ़ायदा हो मजीद प्रॉब्लम्स आती हैं। हम तकरीबन मिडिल ईस्ट को हमारे पास हमारे 3 मिलियन लोग वहाँ पे नौकरियाँ करते हैं मुख्तलिफ कामों से मुंसलिक, लेकिन वो क्यों ऐसा नहीं है कि वो 30 से 35 अरब डॉलर्स वो भिजवाएं। जब आप डॉक्टर्स भेजेंगे, आप इंजीनियर भेजेंगे, आप प्रॉपर क्वालिफाइड स्किल्ड वेल्डर्स प्लम्बर्स इलेक्ट्रिशियंस और पैरामेडिक स्टाफ अगर आप इनको भिजवाएंगे तो यकीनन वो आपको फिर फायदा देगी। एक तो ये कि आपके कंट्री का सॉफ्ट इमेज बनेगा, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके अरब दुनिया में कहते जी अरब बड़े ये करते हैं बहुत ज्यादा करते हैं फला, लेकिन उसकी वजह है वो मैं वो बात मैंने किसी इंडियन से नहीं सुनी। और वो क्यों नहीं सुनी उसकी भी एक वजह बता दूं, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, इस कंपनी को रखना मुझे रखना है। दूसरा उनको मतलब एक तो काबिल बहुत होते हैं, सेकेंड चीज ये होती है कि वो लोग जिसे कहते हैं ना बड़ा पोलाइटली चीजों को हैंडल करते हैं, लैंग्वेज उनको इंग्लिश हिंदी उर्दू वगैरह और काफी तक अरबिक भी समझ आ जाती है। तो ये भी एक उनको बड़ा बेनिफिट होता है जिसकी वजह से वो लोग कामयाब होते हैं। और वहां के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास इस तरह